दिल्ली कैंट में और यहाँ पर जो है लगातार बच्ची को इंसाफ की जो है मांग की जा रही है। जिस बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, बच्ची को जला दिया गया है, मार दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला और यहाँ पर लगातार राजनीतिक दल वाले जो है आ रहे हैं और पीड़ित के परिवार वालों को जो है कहीं ना कहीं इंसाफ देने की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ है सेवा सिंह बाली जी, आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे ये जो बच्ची के साथ जो भी घटना हुई है उस मामले में क्या कहना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले जो आपका चैनल है खोज खबर, वो इस खबर को कवर कर रहा है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा जिस तरीके से हमारी 9 साल की बच्ची के साथ उन चार दरिंदों ने एक दरिंदगी की है, यानी वो इंसानियत कहने के काबिल नहीं है और जिससे हम सब शर्मिंदा हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ पर आए, उन्होंने 10 लाख का मुआवजे का घोषणा भी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम डिमांड करते हैं कि कंपनसेशन या मुआवजा घोषणा करने से उस बच्ची को साथ इंसाफ नहीं हो सकता। उस बच्ची के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और हम ये डिमांड करते हैं कम से कम उन दरिंदों को, जो चार दरिंदे इस घटना में मुलव्वस हैं, जिन्होंने दरिंदगी से भी हटकर जो काम किया है, यानी एक तो उनके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उनको जिंदा जलाया गया है, इसमें जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। अब ये डिमांड करते हैं कि उन कातिलों को फौरी तौर पर, उन जो जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, फौरी तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले वक्त में कोई हिम्मत न करे, कोई सोच न सके इस किस्म की दरिंदगी करने के लिए। ये हम पूरा देश मिलके यही डिमांड करते हैं क्योंकि वो जो बच्ची है हमारी गुड़िया, वो हम की हमारी सबके, हम सबकी बच्ची है, देश की बेटी है, इसलिए हम सब मिलके ये दुआ करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उसके जिन दरिंदों ने उसके साथ ये कायराना हरकत की है उनको फौरी तौर पर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए जिससे पूरा देश एक सुकून से बैठे और पूरे देश को ये पता चले कि आने वाले वक्त में इस किस्म की हरकत कोई भी दरिंदा नहीं करे। अच्छा सर, ये मामला अभी ताज़ा है तो सभी पार्टियां आ रही हैं, सभी संगठन आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडा हो जाता है, फिर लोग भूल जाते हैं, फिर कोई मांग के लिए नहीं आता है कि सजा होनी चाहिए या जो भी इंसाफ की मांगे होती हैं उसको कहीं ना कहीं जो है छोड़ दिया जाता है, फिर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। क्या ऐसे सख्त कानून या सख्त जो भी नियम होते हैं वो कब बनेंगे? इसमें सबसे पहले तो दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और फौरी तौर पर, चाहे कोई कानून बनाए चाहे कुछ भी हो, फौरी तौर पर उन दरिंदों को सज़ा दी जानी चाहिए और सज़ा भी इस किस्म की होनी चाहिए जिससे आने वाले वक्त में पूरे देश के लोगों को ये पता रहे कि इस किस्म की हरकत करने से पहले वो 50 बार सोचें, ताकि इस उसी से ये रोक सकता है। और पूरे बाकी जिस तरीके से आपने कहा कि सभी लोग सामने आते हैं उसके बाद सब हट जाते हैं, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ के दिल्ली गवर्नमेंट का फेलियर है कि जो वो प्रॉपर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। वरना आजकल के दौर में इतना बड़ा जुर्म करके कोई चला जाता है और किसी को पता नहीं लगता है, बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म करने के बाद उसको जिंदा जलाया जाता है, क्या यही डिजिटल इंडिया और यही हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं? दूसरी तरफ से हमारी 9 साल की बच्ची के साथ
इस किस्म की हरकत होती है, हम ये डिमांड करते हैं कि उन दरिंदों को सख्त से सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जुरत न कर सके इस किस्म की हरकत करने पर। वो 50 बार पहले सोचे, इसमें यही ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। इस किस्म के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से निर्भया केस जो हुआ था उसमें 7 साल लग गए थे न्याय प्राप्त करने के लिए, क्या लगता है इतना जो कानून है इतना लेट सजा? ये नहीं नहीं नहीं, इसमें अब कानून तो बहुत देर तक इंसाफ के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है, अब वो वक्त नहीं रहा है। अब लोग जो हैं वो जागरूक हैं, और लोग पूरा देश इन किस्म की घटनाओं में पूरा देश एक साथ है, एकजुट है। और हम ये डिमांड करते हैं कि सारे एविडेंस मौजूद है, एक नाबालिग लड़की यानी 9 साल की बच्ची ट्रायल पे रखा जाता, ट्रायल बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, वो तो जनता, जनता से बढ़कर कोई नहीं है, जनता जनता से बढ़कर कोई नहीं है, ये जनता की बेटी है, हम सब की बेटी है, और फौरी तौर पर इसको न्याय मिलना चाहिए, तभी यहाँ की जनता और ये लोग जो हैं खामोश बैठेंगे, क्योंकि ये 9 साल की बच्ची के साथ इस किस्म की घटना घटी और उसके बाद उसको जलाया गया है। ये सरासर इंसानियत का कत्ल है, और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में पूरा देश एकजुट खड़ा होकर और उस गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए सारी जनता एक साथ होकर इंसाफ मांगेगी। अच्छा, ये भी कहा गया है जिसने दुष्कर्म किया था उसने ये भी कहा था पीड़ित के परिवार वालों से कि मामला यहीं रफा दफा कर लेते हैं। हाँ, बोला था, बोला था। मैं जो पीड़ित जो बच्ची हमारी गुड़िया है उनके फादर साहब से भी हमारी तफसीली बात हुई। हम ये मांग करना चाहते हैं कि जब वो उनके अंदर इस किस्म की ताकत कहाँ से आती है, कौन शे उनको इतनी देता है कि जो इतनी बड़ी हरकत पर आ जाते हैं और इतना बड़ा हरकत को अंजाम दे देते हैं, और उसके बाद उनको महसूस होता है एक बच्ची को जलाया जाता है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद वो उसी परिवार से रब्ता करता है कि मामले को रफा दफा किया जाएगा। क्या इंसानियत या बच्ची की, एक बेटी की यही अब इतना ही उसकी कीमत रही है क्या? एक तरफ से उसको जिंदा जला दो, दूसरे तरफ से उसके परिवार के पास जाके आप ये बोलोगे कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, ये कौन सा इंसाफ है और कौन सी कानून में ये लिखा गया है? हम मांगते हैं, पूरा देश मांगता है कि उस परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए, यही हम डिमांड करेंगे। कुछ दिल्ली पुलिस के ऊपर भी जो है उंगलियां उठी जा रही हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ तो कमियां पाई जाती है, तभी शेरेआम 4 बंदे एक नाबालिग यानी 9 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और उसको उसके बाद उस बच्ची को जलाया जाता है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई में कोई ढील बरती जाती है तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है, और वो हम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शव जो है, शव उसके जो जो अंतिम संस्कार के बाद जो चीको नहीं शायद सौंपे गए, पानी डाल के आग बुझाई गई है उस बच्ची की, उसके पैर मिले हैं, उसका सर मिला है आधा, ये तो जला, उसको जलने ही दे रहे थे दिल्ली पुलिस वाले, बस वो तो कैसे करके हम नांगल वालों ने मिलके एक एक जुट होके फिर उसमें पानी डाला, फिर उस बच्ची का आधा धड़ निकाला हमने, जब जाके कुछ हमारे को यहाँ तक पहुँच पाए हैं मैडम, जब जाके लैब में गया जी। यही मैं कहता हूं कि जब इस तरीके की हरकत, इतना मतलब उनको कहां से शे मिलती है जो इस किस्म की हरकत करते हैं, ये मतलब सामने सामने दिखता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ चीज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए पूरी जनता यही डिमांड करती है, पूरी आम जनता जो यहां पर है, ये हम सब की बेटी है, देश की बेटी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी कंपनसेशन देने से उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर कंपनसेशन देने की बात है पूरा देश एक एक रुपया भी इकट्ठा करेगा तो उस परिवार को हम देख सकते हैं, मगर कंपनसेशन से नहीं, उसको उसके जो उसके साथ दरिंदगी हुई है उसको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में 10 बार आदमी सोचे इस किस्म की हरकत करने से पहले 10 बार सोचे कोई। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि अब इस पे जो है राजनीति चली जा रही है, बस राजनीति हटकर है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, पूरा देश का मसला, ये देश की बेटी, हम सब की बेटी है, राजनीति से हटके ये मुद्दा जो है ये राजनीति मुद्दा नहीं है, ये हमारी बच्चों के साथ भी कल को ऐसा हो सकता है, इसलिए पूरा देश ये डिमांड करता है कि उन दरिंदों को
फौरी तौर पर फांसी दिया जाए और उस किस्म की सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में 100 बार सोचे इस किस्म की हरकत करने से पहले, कोई भी शख्स 50 बार सोचे कि इस किस्म की हरकत करने का अंजाम क्या होगा, यही हम मांग करना चाहते हैं। अच्छा सर, जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी में ऐसी घटनाएं मिलती हैं, बड़े शर्म की बात है। हमारी एक 9 साल की बच्ची के साथ इस किस्म की घटना जिन दरिंदों ने घटाई है उनको हम इंसानियत कह ही नहीं सकते। वो दरिंदे से भी कायराना हरकत की है, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं। उनको अगर हम दरिंदा भी कहेंगे वो भी मेरे हिसाब से उनके ऊपर नहीं बैठता है, इसलिए उनको फौरी तौर पर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए।